हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स देखिए, हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में डायरेक्टर चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके कुछ टॉपिक्स मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ा दिए थे। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूं जितना हमने पढ़ लिया था, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था डायरेक्टर कौन होता है। डायरेक्टर वो पर्सन होता है जो कि डायरेक्टर की चेयर पे बैठा हुआ है। कोई फिक्स नहीं है कि भैया ये ही हमेशा डायरेक्टर होगा, नहीं जी। जो उस वक्त डायरेक्टर की चेयर ऑक्यूपाई करके बैठा है, डायरेक्टर की पोजीशन, वो डायरेक्टर है। उसे किसी भी नाम से बुला लो आप, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, किसी भी नाम से बुला। मैंने आपको यह बताया था कि इंडियन कंपनी, सिर्फ इंडियन कंपनीज के अंदर डायरेक्टर एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही डायरेक्टर बन सकता है इंडियन कंपनीज में। बाकी दूसरी कंट्रीज के कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो वहां की कंपनीज का डायरेक्टर कोई कंपनी बन सकती है, बट हमारी कंपनीज में तो सिर्फ एक इंसान बोलता चलता फिरता नेचुरल पर्सन ही डायरेक्टर बन सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टर बनाते ही इसलिए है, जो बंदा सोचकर समझकर बोलकर डायरेक्शन दे सके और कंपनी को उसके ऑब्जेक्ट्स अचीव करवा सके। वरना कंपनी अपने नाम से सब काम कर ही रही थी, हमें डायरेक्टर की कोई जरूरत थी नहीं। कंपनी अपने नाम से सब काम इजीली कर रही थी, लेकिन कंपनी सोच नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी। तो हमें एक ऐसे पर्सन की जरूरत थी जो कि सोच के समझ के बोल सके और कंपनी के डायरेक्शन दे सके कि आप कैसे अपने ऑब्जेक्ट्स को अचीव करें। आ रही है यहां तक की बात समझ में बच्चों? चलिए, अब इसके बाद में नेक्स्ट बात अगर मैं करूं तो मैंने आपको बताया था कि हर कंपनी के अंदर मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए। अगर पब्लिक है तो 3, प्राइवेट है तो 2, 1% है तो 1, लेकिन मैक्सिमम डायरेक्टर एक कंपनी में एक वक्त पर, एक टाइम पर 15 हो सकते हैं। एक कंपनी के अंदर एक टाइम पर 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते। लेकिन इसका मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के अंदर एक टाइम पर 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं अगर उस कंपनी के शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दे तो। अगर शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं और बोले कि मेरी कंपनी में तो, हमारी कंपनी में एक टाइम पर 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज के शेयर होल्डर्स को मिलती है। सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी तो किसी भी हालत में एक वक्त पर 15 से ज्यादा डायरेक्टर रख ही नहीं सकती। स्टूडेंट बोलता है समझ गया सर। मैंने आपको बोला था कि कंपनी के अंदर टोटल जितने डायरेक्टर्स हैं उनमें से कम से कम मिनिमम 1 रेजिडेंट होना चाहिए। सिटीजनशिप की मैंने नहीं बोला, रेजिडेंट होना चाहिए, मतलब पिछले ईयर, प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज वो इंडिया में रहा हो, 6 महीने। 182 डेज, आपको लिखना 182 डेज है लेकिन कंसेप्ट समझाने के बोल रहा हूँ, आधी साल वो इंडिया में रहा हो। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि हर लिस्टेड कंपनी के अंदर एक विमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है, और अगर हर लिस्टेड कंपनी के अंदर विमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है, और अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है, पब्लिक है, अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है या टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है तो विमेन डायरेक्टर होना जरूरी। और अगर कंपनी लिस्टेड है और टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के अंदर आती है तो फिर उस केस में तो बच्चों वो जो विमेन डायरेक्टर होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। क्लियर है यहां तक? उसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि विमेन डायरेक्टर का अगर ऑफिस वैकेट हो जाता है तो उसे फिल किया जाता है, वैकेंसी को फिल किया जाता है, कोई नया अपॉइंट किया जाता है। कितने टाइम के अंदर? जब से ऑफिस वैकेट हुआ है उसके 3 महीने के अंदर, या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, विच एवर इज लेटर। मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था बच्चों। स्टूडेंट बोलता है सर आपने ये लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, हमें सब समझ में आ गया। चलिए, तो एक पॉइंट और पढ़ना है हमें विमेन डायरेक्टर से ही रिलेटेड, फिर हम इससे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो देखेंगे। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आज के आज सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि एग्जाम में आखिर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता कैसे। तो बच्चों देखिए, इसके बाद में एक बात और बता दूं मैं आपको
कि कोई भी लेडी मतलब कोई भी विमेन मैक्सिमम कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हो सकती है एट ए टाइम, एक वक्त पर मैक्सिमम कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकती है 20। एक विमेन एक वक्त पर मैक्सिमम 20 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकती है, 20 से ज्यादा में डायरेक्टर नहीं हो सकती एक और। क्लियर रही चीज यहां तक? स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर मैं समझ गया। लेकिन बच्चे इस 20 में भी 10 पब्लिक कंपनीज हैं और बाकी नॉन पब्लिक है, प्राइवेट हो गई या अदर 1%। फिर मैं दोबारा से बोल रहा हूं, एक औरत एक लेडी एक विमेन एक वक्त पर मैक्सिमम 20 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकती हैं, 20 से ज्यादा कंपनीज में डायरेक्टर नहीं हो सकती। क्लियर है यहां तक की बात? और उसके अलावा मैं आपको यह बता दूं कि उन 20 कंपनियों के अंदर भी 10 पब्लिक कंपनी है, मतलब मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनियों में डायरेक्टर हो सकती है एक वक्त पर, 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनीज में नहीं हो सकती। तो बाकी की जो 10 बच गई वो अदर देन पब्लिक कंपनीज है, नॉन पब्लिक कंपनीज। तो स्टूडेंट बोलता है हाँ जी सर मैं समझ गया कि एक विमेन एक वक्त पर 20 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकती है जिसमें से 10 तो पब्लिक कंपनीज है और बाकी की नॉन पब्लिक कंपनीज है। सर मुझे समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, बड़े ध्यान से देखना है बच्चों ये क्वेश्चन। आप ये बोल रहा है एक्सेल लिमिटेड नाम की एक लिस्टेड कंपनी है और उन्होंने मिस आर को अपना विमेन डायरेक्टर अपॉइंट किया। तो ठीक है लिस्टेड कंपनी है तो विमेन डायरेक्टर होना जरूरी था, तो उन्होंने मिस आर को अपना विमेन डायरेक्टर बना लिया। ठीक है लेकिन जो मिस आर है वो ऑलरेडी 12 कंपनियों के अंदर डायरेक्टर है। तो स्टूडेंट बोलता है सर हमने तो पढ़ा था कि एक लेडी एक वक्त पर मैक्सिमम 20 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकती है। समझ लो ये प्रीति जिंटा नहीं है, ये मिस आर है, ये ऑलरेडी 12 कंपनियों के अंदर डायरेक्टर है। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, ऑलरेडी 12 में डायरेक्टर है तो एक लेडी तो एक वक्त पर मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकती है, अगर ये 12 में डायरेक्टर है तो क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई 20 में तो हो सकती है लेकिन उस 20 में से भी 10 जो है वो पब्लिक कंपनीज है, पब्लिक कंपनीज में 10 में हो सकती है, 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनीज में नहीं हो सकती। जो मिस आर है वो ऑलरेडी 10 पब्लिक कंपनीज के अंदर डायरेक्टर है और एक्सेल लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है मतलब पब्लिक कंपनी। क्या अब मिस आर एक्सेल की डायरेक्टर बन सकती है? जी नहीं, ये अपॉइंटमेंट गलत है। क्यों गलत है समझिए, इसलिए गलत है बच्चों क्योंकि मिस आर मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकती है जिनमें से 10 पब्लिक हो सकती है। अब मिस आर ऑलरेडी 10 पब्लिक कंपनीज की डायरेक्टर है और एक्सेल लिमिटेड भी पब्लिक ही है क्योंकि वो लिस्टेड है और लिस्टेड सिर्फ पब्लिक कंपनी होती है। तो क्या मिस आर एक्सेल की अब विमेन डायरेक्टर बन सकती? नहीं बन सकती क्योंकि वो ऑलरेडी 10 पब्लिक कंपनीज की डायरेक्टर है। अगर एक्सेल पब्लिक कंपनी नहीं होती तो वो बन सकती थी पर अब नहीं बन सकती। तो याद रखिएगा बच्चों ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बस यही बताना था कि ये जो इनका अपॉइंटमेंट है वो वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉइंट आपको लिखना था विमेन डायरेक्टर एक वक्त पर 20 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकती है लेकिन मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज में, उससे ज्यादा में नहीं हो सकती। सेक्शन 149 के अंदर आपको ये लिख के आना है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, 4 मार्क्स आपको मिल जाते, दिसंबर 2018 में आया हुआ है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक आपने पढ़ाया, यहां तक मुझे समझ में आ गया, आगे चलो आगे चलते बच्चों। अब आगे जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं उसके लिए मैं आपको कुछ एक और टॉपिक पहले बताऊंगा फिर हम इस टॉपिक पर आएंगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है। बड़े ध्यान से और प्यार से सुनिए मेरी बात। देखिए किसी भी कंपनी के अंदर 2 टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स
और एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। बड़े प्यार से सुनिएगा, हो सकता है हो क्या सकता है आप लोगों ने हालांकि सीएमए इंटर में पढ़ा है, पर मैं मानकर चल रहा हूँ कि बच्चे बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, चाहे से किसी ने सीएमए इंटर में बहुत अच्छा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, सबको समझ में आए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं बच्चों जो कंपनी में डेली आते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी में डेली आते हैं। वो कंपनी में डेली आते हैं, वो कंपनी के रूटीन अफेयर्स में एंगेज्ड होते हैं। मैं दोबारा से बोल रहा हूं बच्चों, ये कंपनी में डेली आते हैं, ये कंपनी के रूटीन अफेयर्स में एंगेज्ड भी होते हैं। अरे ये मेरी बात यहां तक समझ में? और ये मतलब नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह होते हैं, सुबह 10 बजे आ जाते हैं, शाम को 6 बजे तक बैठकर कंपनी में काम करते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बच्चों वो होते हैं जो कंपनी में डेली नहीं आते, जो कंपनी के रूटीन अफेयर्स में एंगेज्ड नहीं होते, जो बहुत बड़े होते हैं और उनके पास में पैसा एंड पावर होती है। ये बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। कंपनी इनको तब याद करती है जब कंपनी किसी मुश्किल समय में फंस जाती है, जहां पर उसके रोज के काम करने वाले डायरेक्टर्स उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को याद किया जाता है। वो एक्सपीरियंस्ड लोग आते हैं, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उस कंपनी को सिचुएशन से निकालते हैं। और आप सोचिए बच्चों, ये दोनों तरह के डायरेक्टर्स कंपनी में होना जरूरी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होना जरूरी है, क्योंकि कोई तो ऐसा हो जो कंपनी में डेली आकर काम करे, वरना कंपनी चलेगी कैसे। लेकिन बच्चे खुद सोचिए, जो लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी में डेली आ रहे हैं, मतलब कंपनी के बाकी लोगों से वो डेली मिल रहे हैं, मतलब कंपनी के बाकी लोगों से उनकी जानकारी है, उनकी दोस्ती है। अगर कल को कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकता है उनके खिलाफ एक्शन ना ले, क्योंकि अब वो दोनों दोस्त टाइप बन गए, उनके रिलेशन बन गए। इसीलिए कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव का होना भी जरूरी है, ऐसा बंदा जो कंपनी में डेली नहीं आ रहा। अब अगर उसको किसी मैटर के लिए बुलाया जाएगा तो वो सच बोलेगा, क्योंकि उसका किसी से रिलेशन नहीं है, वो डेली आता नहीं है, उसके किसी से दोस्ती नहीं है, वो किसी को जानता नहीं है, इसलिए वो जब भी बोलेगा सच बोलेगा, क्योंकि किसी के फेवर में बोलने का उसका कोई लावलेस नहीं है, कोई बायस होगा ही नहीं वो बंदा। इसलिए नॉन एग्जीक्यूटिव होना भी जरूरी है कंपनी के अंदर, कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हों जिससे वो सच का साथ दें, जब बोले सच बोले। और एग्जीक्यूटिव होना भी जरूरी है, वरना कंपनी में डेली रूटीन अफेयर्स को कौन मैनेज करेगा। अरे मेरी बात समझ में आता बच्चों? तो ये है हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव। अब स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, मैं यहां तक की बात समझ गया। अब देखिए बच्चों, जो एक और डायरेक्टर होता है उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है ना, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ही पार्ट होता है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, तभी जाकर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाते। नाम से पता चलेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है, ना तो कंपनी से रिलेटेड है ना कंपनी के लोगों से रिलेटेड है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिएगा बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिएगा कि मिस्टर ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं मोहित बंसल क्लासेस के। तो बच्चों वो तभी बन सकते हैं जब ना तो वो मोहित बंसल क्लासेस से रिलेटेड है, ना ही इसकी सब्सिडरी से, ना ही इसकी एसोसिएट से, ना ही इसकी होल्डिंग से रिलेटेड है, ना ही इसके अंदर काम करने वाले लोगों से रिलेटेड है, ना तो ये खुद रिलेटेड है, ना ही इनका कोई रिलेटिव रिलेटेड है। मतलब ये टोटली इंडिपेंडेंट है, दूर दूर तक मिस्टर ए का मोहित बंसल क्लासेस से या मोहित बंसल क्लासेस को जानने वाले किसी भी इंसान से रिश्ता नहीं है, तभी जाकर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। टोटली इंडिपेंडेंट, कि ये जो बोलेंगे कंपनी में सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये किसी को नहीं जानते। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता नॉन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। सीएम इंटर में पढ़ा है आपने बहुत डिटेल में इसको बच्चों मेरे, कि भैया आप ना तो उस कंपनी से रिलेटेड हो, ना उसकी सब्सिडरी से रिलेटेड हो, ना उसकी होल्डिंग से रिलेटेड हो, ना आप खुद रिलेटेड हो, ना आपके रिलेटिव रिलेटेड हो,
तो ही आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाते। स्टूडेंट बोलता है, सर अब आपकी मुझे पूरी बात समझ में आ गई और आपने यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, मुझे वो भी समझ में आ गया। ऐसा बंदा जो खुद किसी से रिलेटेड नहीं है, होल्डिंग सब्सिडरी किसी से भी रिलेटेड नहीं है, ना तो वो खुद ना उसका कोई रिलेटिव, हाँ लेकिन वो एक्सपीरियंस्ड आदमी है, नॉलेजेबल आदमी है, स्किलफुल आदमी है, लेकिन वो रिलेटेड किसी से भी नहीं। समझ गया सर? सर क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि हर लिस्टेड कंपनी के अंदर टोटल जितने डायरेक्टर्स होंगे कम से कम उसका 1/3 इंडिपेंडेंट होगा। स्टूडेंट बोलता है, सर समझ गया, चलिए ठीक है। उसके अलावा अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है, अगर कंपनी लिस्टेड है तो टोटल का 1/3 इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है पर पब्लिक है और इनमें से किसी एक भी कंडीशन में फॉल होती है, या तो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या उसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसने बाहर पब्लिक से लोन वोन लिया हुआ है 50 करोड़ या उससे ज्यादा का, अगर इनमें से किसी भी कंडीशन में फॉल होता है, या तो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या उसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसने बाहर किसी से 50 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया हुआ है, मोर देन 50 करोड़ का लोन लिया हुआ है, तो फिर उस केस में बच्चों कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसके अंदर होने चाहिए। तो अगर कंपनी लिस्टेड है तो टोटल का 1/3 इंडिपेंडेंट, लिस्टेड नहीं है लेकिन तीन में से किसी भी कंडीशन में फॉल होती है तो कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। स्टूडेंट बोलता है, सर आपकी बात को मैं यहां तक पूरी तरह समझ चुका हूं। बिल्कुल अच्छा, इसके अलावा एक बात बताइए यार बच्चों, लिस्टेड कंपनी में टोटल जितने डायरेक्टर हैं उनका 1/3 इंडिपेंडेंट होगा, और उसके अलावा लिस्टेड नहीं है कंपनी, अनलिस्टेड है, लेकिन इन तीन में से किसी कंडीशन में फॉल हो रही है तो कम से कम 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होंगे। ये कंडीशन किसने डिसाइड करी? सोचिए बच्चों, किसने डिसाइड करी? सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करी होगी। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस कंडीशन को चेंज नहीं कर सकता? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट फ्यूचर में ये नहीं बोल सकता कि ज्यादा होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या कम होने चाहिए? बोल सकता है सर, क्या बात कर रहे हो, फर्स्ट पॉइंट भी तो यही बात बोल रहा है। अच्छा इसके अलावा मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसमें पढ़ेंगे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी, कि हर लिस्टेड कंपनी के अंदर एक ऑडिट कमेटी का होना कंपलसरी होता है, पढ़ेंगे हम सीएमए इंटर में पढ़ा हुआ है आपने, दोबारा पढ़ेंगे अभी आप, कि हर लिस्टेड कंपनी के अंदर एक ऑडिट कमेटी होती है और उसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। तो अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो टोटल जितना है उसका 1/3 कम से कम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन ऑडिट कमेटी की अगर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्यादा रखने पड़ रहे हैं तो वो भी रख सकते हैं। क्लियर? स्टूडेंट बोलता है, सर समझ गया, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट दोनों पॉइंट समझ गया मैं, कि वैसे तो कम से कम 1/3 रखना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट को फॉलो करने के लिए सिर्फ 1/3 नहीं बल्कि उससे ज्यादा अपॉइंट करने पड़ जाते हैं, तो फिर हम वो वाला रूल फॉलो कर लेंगे, वो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के केस में होता है। देन इसके बाद में नेक्स्ट, सर एक बात बताइए, आपने हमें विमेन डायरेक्टर जब पढ़ाया था सर, तो विमेन डायरेक्टर के केस में आपने बताया था कि अगर वैकेंसी हो जाती है तो आपने एग्जाम्पल से समझाया था कि विद इन 3 months या फिर जब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो रही है, विच एवर इज लेटर, ये आपने एग्जाम्पल से समझाया था, उतने टाइम के अंदर वैकेंसी फिल होनी चाहिए विमेन की। सर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वैकेंसी हो जाती है तो सेम है, सेम है, जिस दिन हुई है उसके 3 महीने या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, विच एवर इज लेटर, सेम है। स्टूडेंट बोलता है, सर यहां तक मैं आपकी पूरी बात समझ गया, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी में डेली नहीं आता, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पार्ट होता है, लेकिन ना तो वो खुद ना ही उसका रिलेटिव कंपनी से या कंपनी के किसी भी रिलेटेड से का किसी भी जानकार से रिलेटेड नहीं होता है, और टोटली इंडिपेंडेंट आदमी होता है, सच के फेवर में काम करता है, हाईली स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड आदमी होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कंपनी लिस्टेड है तो टोटल का 1/3 अनलिस्टेड है, लेकिन पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या पब्लिक से 50 करोड़ से ज्यादा बोरो किया हुआ है, तो फिर 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए।
उसके अलावा हमने पढ़ लिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अगर वैकेंसी हो जाती है तो 3 महीने के अंदर अंदर या फिर जब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो रही है उसके अंदर अंदर अपॉइंट हो जाना चाहिए, विच एवर इज लेटर। सर एक लास्ट क्वेश्चन और है, मैंने कहा बोलो। सर सपोज करो कि कोई एक कंपनी है मोहित बंसल क्लासेस और वो इनमें से किसी में भी फॉल हो रही है, मतलब उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना कंपलसरी है। मैंने कहा ठीक है फिर तो सर एक बात बताओ, उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है आपने बोला, या तो वो लिस्टेड है या क्या नाम है, इनमें से किसी कंडीशन में। अगर सर उसकी कोई 100% सब्सिडरी है क्या उसके अंदर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए? जी नहीं। बहुत ध्यान से सुनना, अगर होल्डिंग कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है, देखिए चाहे से होल्डिंग कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सभी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो 100% होली ओन सब्सिडरी होगी उसके अंदर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है या उसके ज्वाइंट वेंचर के अंदर होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों मैं आपको और बताऊं इसको, सपोज कीजिए रिलायंस कंपनी, इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है क्योंकि या तो ये लिस्टेड कंपनी है या फिर ये इन कंडीशन में फॉल हो रही है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है, कंपलसरी है। तो बच्चों अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जो इसकी 100% ओन्ड सब्सिडरी होगी ना उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसकी होल्डिंग में है, ये जरूरी नहीं होता। उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तभी होना जरूरी होगा, तब भी होना जरूरी नहीं होगा चाहे से वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। तो याद रखिएगा अगर कोई कंपनी होली ओन्ड सब्सिडरी है किसी दूसरी कंपनी की और जिसकी वो होली ओन्ड सब्सिडरी है उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है, तो इस सब्सिडरी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही नहीं चाहिए चाहे से वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है तो भी नहीं होना चाहिए। सर ऐसा क्यों? अरे क्योंकि भाई जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होल्डिंग का होता है ना बाय डिफॉल्ट उसका कंट्रोल सब्सिडरी पर भी आता है और वो सब्सिडरी को भी रेगुलेट करता है, और ये सिर्फ फोर्थ पॉइंट है। और देखिए अब यहां पर हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, इससे रिलेटेड ये जो फोर्थ पॉइंट मैंने बोला ना इससे रिलेटेड बच्चों प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आए हुए हैं आपके एग्जाम में। देखिए सॉल्व करवाता हूं, ये रहा कि अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और वो होली ओन सब्सिडरी है उसकी जिसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो क्या जरूरी होता है? जी नहीं, नो 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 नो। और एक और क्वेश्चन आया है कि हर पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अंदर कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने जरूरी है? 1/3 ऑफ टोटल। ये रहा तो बच्चों ये दो क्वेश्चन आए हुए हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड अलग अलग अटेम्प्ट, इजी क्वेश्चन। स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक आपने जो मुझे पढ़ाया वो मुझे समझ में आ गया, मिनिमम डायरेक्टर, मैक्सिमम डायरेक्टर, रेजिडेंट, वेमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए वो सब सॉल्व कर लिए। बच्चों मैं आपको बता दूं ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना ये जून 2017 तक के हैं क्योंकि उससे पहले आपका कोर्स कोई दूसरा चलता था तो वो उससे पहले के क्वेश्चंस आपको करने नहीं है, यही तक के कर रहे हैं। अगर आप ये सिर्फ क्लासेस भी ले लेते हो ना, क्लासेस पढ़ लेते हो, बाय डिफॉल्ट आपका स्कैनर सॉल्व होता हुआ चला जा रहा है। चलिए स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक समझ में आ गया, अब सर आगे बताए। तो आगे हम पढ़ेंगे बच्चों की आखिर नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता। अब देखिए बच्चों हम बात करेंगे नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में, बड़े आराम से देखिए क्या होता है बच्चों की बहुत बार कंपनीज ना लोन ले लेती है किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड कर देता है क्योंकि भाई वो उसका काम है लोन देना, उसका काम है बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। तो बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कंपनी को लोन प्रोवाइड कर दिया, क्लियर है ये चीज यहां तक। अब कंपनी लोन तो थोड़े बहुत टाइम में वापस करेगी, 4-5 साल में, तो बैंक को ना एक डर लगा रहता है, बैंक को दो डर लगे रहते हैं। पहला यार कंपनी ने जब मुझसे लोन लिया, बैंक सोचता है यार जब कंपनी ने मुझसे लोन लिया तो कंपनी ने बोला कि वो लोन का पैसा अपने बिजनेस में यूज करेगी, क्या सच में कंपनी लोन का पैसा बिजनेस में ही यूज कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है
कि मेरे से तो कंपनी ने बोला कि लोन का जो हम पैसा ले रहे हैं वो बिजनेस में यूज करेंगे और कर रही है कहीं और यूज, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसका दूसरा पर्पज होता है कि उसे हमेशा डर लगता है यार ऐसा तो नहीं है कि कंपनी मेरे से लोन लेके चली गई और अब कंपनी की इकोनॉमिक पोजीशन खराब हो गई और कंपनी बंद होने पर आ गई हो, तो ना बैंक को हमेशा डर लगता है इन दो बातों का। और ज्यादातर डर इसका लगता है कि यार ऐसा नहीं हो कि मैंने तो कंपनी को लोन दे दिया, मैं तो अब आराम से आंख मूंद के पड़ी हूं, बैंक सोचता है मैं आंख मूंद के पड़ा हूं और कंपनी जो है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गई, कंपनी बंद हो गई, मेरा पैसा डूब गया, ऐसा ना हो जाए मेरे साथ। इसलिए बैंक पता है क्या करता है, बैंक ये बोलता है कि इस कंपनी से बोलता है कि सुनो साहब मैं ना एक बंदा नॉमिनेट कर दू, वो मेरे ही बैंक के अंदर काम करने वाला आदमी है लेकिन वो आपकी कंपनी का डायरेक्टर बन जाएगा तब तक के लिए जब तक के लिए लोन चल रहा है, और जैसे ही आप मेरा लोन का पूरा पैसा वापस कर दोगे वो खत्म, वो दोबारा से मेरे बैंक में आके काम करने लग जाएगा, लेकिन अभी जब तक लोन चल रहा है तब तक मैं एक बंदे को नॉमिनेट कर दूंगा और वो आपकी कंपनी का डायरेक्टर बन जाएगा, उसे नॉमिनी डायरेक्टर बोला जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा, उसे नॉमिनी डायरेक्टर बोला जाएगा, और वो आपकी कंपनी में बस इस काम के दो काम को चेक करेगा। पहला वो ये चेक करेगा कि आपकी कहीं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन तो खराब नहीं हो गई है, अगर हो गई तो वो मुझे जल्दी से बता देगा कि साहब जिस कंपनी को लोन दिया वो तो बर्बाद है, वो पैसा वापस नहीं कर सकती, निकालो पैसा अपना तो मैं आपसे अपना पैसा कॉल कर लूं जल्दी से। और दूसरा वो इसलिए रहेगा कि साहब अगर आपने जिस पर्पस के लिए लोन लिया है क्या उसी पर्पस के लिए यूज ले रहे हो कि नहीं। तो कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर अपॉइंट होता है जिसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करता है, सैलरी भी उसको बैंक दे रहा है क्योंकि वो बैंक का एम्प्लॉय है, बैंक के लिए काम कर रहा है, कंपनी के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, वो कंपनी पे एक तरह की निगरानी रख रहा है, बस उसको नॉमिनेट किया गया है एज अ डायरेक्टर, उसे नॉमिनी डायरेक्टर बोलते हैं। ये मैंने लिखा है बच्चों, नॉमिनी डायरेक्टर का मतलब होता है वो बंदा जो कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा अपॉइंटेड है और वो लोन प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को, वो क्या कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है ये चीज यहां तक? चलिए उसके अलावा नेक्स्ट बात मैं अगर बोलूं कि जब भी कोई कंपनी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है तो फिर उस केस में वो एक बंदा तो नॉमिनेट करती ही करती है और उसको नॉमिनी डायरेक्टर बोला जाता है। लेकिन याद रखिएगा बच्चों दो बातें, अगर किसी कंपनी के अंदर नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है तो जरूरी है कि उस कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ हो ऑथराइजेशन, उस कंपनी के एओए में लिखा हुआ हो कि भैया हमारी कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो उस कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। पहले उस कंपनी को अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, चेंज करने के बाद एओए को ऑथोराइज करना पड़ेगा, और जैसे ही उसको ऑथोराइज किया जाएगा, जैसे ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर किया जाएगा, ऑथोराइज किया जाएगा, तब वो कंपनी नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, मैं ये समझ गया नॉमिनी डायरेक्टर होता क्या है, और सर मैं ये समझ गया कि एओए ऑथोराइज करेंगे तभी नॉमिनी डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट होगा नहीं तो नहीं होगा। इससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है ना ये मिसप्रिंट हो गया है, क्वेश्चन दूसरा वाला आ गया है, फिर लिख दूंगा क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक कंपनी है और कंपनी ने नॉमिनी डायरेक्टर, कंपनी के अंदर नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट हो गया लेकिन कंपनी के एओए ऑथोराइज नहीं करते, तो क्या जो बंदा कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर बनकर अपॉइंट हुआ है वो सही हुआ है? जी नहीं, वो सही अपॉइंट नहीं, वो सही अपॉइंट नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला क्वेश्चन दोबारा से यहाँ पर पेस्ट हो गया है, बट नोट्स के अंदर वो करेक्ट करवा दिया जाएगा मैं बोल दूंगा। बट आपको ये समझना है कि नॉमिनेट डायरेक्टर कौन होता है, जिसको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने नॉमिनेट किया है, वो कब तक अपॉइंट रहता है, जब तक कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन चल रहा है। उसको सैलरी कौन देता है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही देता है।
और क्या वो हर कंपनी में अपॉइंट हो सकता है? उस कंपनी में जिसका एओए ऑथराइज करता हो। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक एकदम मस्त समझ में आ चुका है मेरे को, चलिए अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, अब देखिए यहां तक बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि कितने मिनिमम डायरेक्टर्स, कितने मैक्सिमम डायरेक्टर, किस कंपनी में विमेन डायरेक्टर, किस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और किस में नॉमिनी डायरेक्टर, और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आगे चल रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बच्चों अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। बड़े ध्यान से और प्यार से सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूं, बड़े प्यार से सुनिए। जब कंपनी बनती है बच्चे, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो बच्चों मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, तो उसके अंदर मिनिमम डायरेक्टर्स का होना जरूरी होता है। पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2 और 1% में 1 डायरेक्टर होना कंपलसरी होता है। बच्चों पढ़ा था हमने, याद करो, और हमने ये भी पढ़ा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है, जिसके अंदर टोटल 6 क्लॉजेस होते हैं, उसका जो सबसे लास्ट क्लॉज होता है 6th क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, उसमें हम डायरेक्टर्स के नाम लिखते हैं, मेंबर्स के और डायरेक्टर्स के नाम लिखते हैं, और वो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं, क्योंकि कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हो रही है बच्चे। जैसे एग्जाम्पल मैं और आपको इजी बताता हूं और थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूं। सपोज कीजिए बच्चों आप एक कंपनी बना रहे हो, आप खुद एक कंपनी बना रहे हो। जब आप कंपनी बनाओगे ना बच्चों, जब आप कंपनी बना रहे होंगे, इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे, उस वक्त आपको अपनी कंपनी के पहले डायरेक्टर्स, जो स्टार्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनका नाम कंपनी के एमओए और एओए में लिखना पड़ता है, कंपलसरी होता है बच्चों। तो अगर कभी भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी कंपनी का, इंडिया की किसी भी कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है, तो लिख दीजिएगा जब कंपनी बन रही होती है ना, उसी वक्त फर्स्ट डायरेक्टर का नाम एओए में मेंशन होता है, कंपनी बनने से पहले ही मेंशन होता है। वो बनती ही तब है कंपनी, क्योंकि वो मिनिमम डायरेक्टर होता है, फर्स्ट डायरेक्टर होता है। लेकिन मेरे से ना एक बार एक स्टूडेंट ने बोला सर सपोज कर लो, सर सपोज करो कि ऐसा हो जाए, वैसे तो आपने बोला कि कंपनी का जो नाम है वो एमओए और एओए में लिखा हुआ, फर्स्ट डायरेक्टर का नाम एमओए एओए में लिखा हुआ होगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन सपोज कर लो एक बार के लिए बच्चों कि अगर नहीं लिखा हुआ हो, बाय चांस फर्स्ट डायरेक्टर का नाम कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा हुआ हो, तो फिर सर जो कंपनी के स्टार्टिंग मेंबर्स है ना, उनका नाम तो लिखा हुआ है, उन्हें हम सब्सक्राइबर्स भी बोलते हैं, सब्सक्राइबर्स टू एमओए तो बोलते हैं, वैसे तो फर्स्ट डायरेक्टर का नाम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होता है, पर अगर नहीं लिखा हुआ हो तो जो हमारी कंपनी के मेंबर्स हैं उन्हीं को ही कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाता है। कब तक के लिए? टिल फर्स्ट जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मैं आपकी जो बात समझा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कंपनी के जो पहला डायरेक्टर होता है उसका नाम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होता है, जरूरी है, कंपलसरी है, होना चाहिए, पर अगर बाई चांस नहीं लिखा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, तो फिर उस केस में जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है ना वो कौन बनेगा? जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स है, मतलब मेंबर्स है, उन्हीं को डायरेक्टर मान लिया जाएगा। जब तक कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होता तब तक उन्हीं को मान लिया जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर मस्त समझ में आ गया, लेकिन सर एक छोटा सा डाउट है। मैंने कहा बोलो। सपोज कीजिए सर सलमान खान साहब ने एक 1% कंपनी बनाई,
और ये उस कंपनी के मेंबर है, लेकिन उन वन पर्सन कंपनी का डायरेक्टर पर किसी का भी नाम इन्होंने नहीं बताया। तो बच्चे अगर वैसे तो वन पर्सन कंपनी का हमें डायरेक्टर बता देना चाहिए कि भैया ये हमारी वन पर्सन कंपनी का डायरेक्टर है, पर अगर नहीं बताया गया तो जो बंदा मेंबर है ना उसी को डायरेक्टर मान लिया जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर अब तक मुझे आपकी तीन बातें समझ में आई, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। मैंने कब बोला सर कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर है उसका नाम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन अगर फर्स्ट डायरेक्टर का नाम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो जो मेंबर्स है ना कंपनी के स्टार्टिंग मेंबर्स सब्सक्राइबर टू द एमओए जिनका नाम सिक्स्थ क्लॉज ऑफ द एमओए में आ रहा है उन्हीं को डायरेक्टर मान लिया जाता है, मतलब मेंबर्स को ही डायरेक्टर मान लिया जाता है। और वन पर्सन कंपनी के केस में भी कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए, अगर नहीं है तो जो मेंबर है ना उसी को ही डायरेक्टर मान लिया जाता है। तो दोनों में केस तो सेम बैठ गया कि कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर है चाहे से पब्लिक चाहे से प्राइवेट चाहे से वन पर्सन, फर्स्ट डायरेक्टर का नाम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए, अगर नहीं है तो मेंबर्स को डायरेक्टर मान लिया जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर मस्त समझ में आ गया, आगे चल। सर ये तो आपने बताई है कंपनी के पहले डायरेक्टर्स के बारे में, फर्स्ट डायरेक्टर्स उनका नाम एओए में बाय डिफॉल्ट लिखा होता है। सर मैं आपसे बोल रहा हूं फर्स्ट के अलावा जो बाकी डायरेक्टर्स होते हैं सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स आगे आने वाले डायरेक्टर्स अदर डायरेक्टर्स सर उनका नाम, अरे भैया जो फर्स्ट डायरेक्टर है उसका नाम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है लेकिन उसके अलावा जो बाकी के डायरेक्टर्स हैं सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स उनका नाम बच्चे उनको कहां अपॉइंट करते हैं, जनरल मीटिंग में अपॉइंट करते हैं, मेंबर्स से कंसेंट लेकर अपॉइंट करते हैं। तो स्टूडेंट बोलता है सर चार बात ध्यान से सुनो, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर का नाम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए, अगर नहीं है तो जो मेंबर्स हैं उन्हीं को ही फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाता है, वन पर्सन कंपनी के अंदर भी फर्स्ट डायरेक्टर का नाम एओए में होना चाहिए, नहीं है तो जो मेंबर है उसी को ही फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाता है, तो सेम केस हो गया। उसके बाद में सर हमने नेक्स्ट ये पढ़ा कि बाकी जो डायरेक्टर्स होते हैं अदर डायरेक्टर फर्स्ट के अलावा अदर देन फर्स्ट बाकी कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स आएंगे उनको अपॉइंट किया जाता है जनरल मीटिंग के अंदर। सर यहां तक की बात मैं पूरी तरह से समझ चुका हूं, यहां तक क्लियर है। ये देखिए फोर्थ पॉइंट तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम चलेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पर, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पर। तो ध्यान से देखिए, एक बार मेरे से एक स्टूडेंट बोला सर एक बात बताओ ना, लिखा बोलो, बोले सर मैंने सुना है एक DIN नाम की चीज होती है, आपने हमें स्टार्टिंग में भी पढ़ाई थी सर, जब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करना सिखाया था तब भी बताया था स्टडी नोट वन में, ये क्या होता है सर DIN? बच्चे ये होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 7 न्यूमेरिक डिजिट का नंबर होता है, जैसे आपके पास में आधार कार्ड होगा ना वो 12 डिजिट का है, इसी तरह से डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर 7 डिजिट का होता है। सर इससे क्या हो जाता है, सर ये जो DIN है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो 7 न्यूमेरिक डिजिट्स का होता है बच्चों, उससे पता है क्या हो जाता है, उससे ये हो जाता है कि अगर आप किसी भी डायरेक्टर के बारे में पता, किसी भी बंदा जो डायरेक्टर बन रहा है उसके बारे में पता करना चाहते हैं, आप उसका ये नंबर अगर पता कर लो ना उसकी पूरा कच्चा चिट्ठा आपको पता चल जाएगा, पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी, कच्चा चिट्ठा सब पता लग जाता है। दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, अगर कोई भी पर्सन किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसके पास में DIN होना जरूरी है। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आपके पास में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है, अगर आपके पास में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तो आप कंपनी के अंदर डायरेक्टर नहीं बन सकते बच्चे। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि कोई भी पर्सन अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है तो तब ही हो सकता है जब उसके पास में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हो, क्योंकि क्योंकि
जब कोई बंदा कंपनी में डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हो रहा होता है ना, तो अपॉइंट होने से पहले उसे कंपनी को एक तो अपना डीआईएन देना पड़ता है कि साहब ये मेरा डीआईएन है, आप मुझे अपॉइंट कर, मैं क्वालिफाइड हूं, मेरे पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, मैं कानून को पूरा कर रहा हूं, कर लो मुझको अपॉइंट डायरेक्टर की तरह। प्लस उसको एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है, प्लस उसको एक क्या करना पड़ता है, डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है ई फॉर्म डीआईआर 8 के अंदर, ई फॉर्म डीआईआर 8 में, और उसमें वो ये डिक्लेयर करता है कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं सेक्शन 164 के अंदर जो हम पढ़ेंगे डायरेक्टर की किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल नहीं होता, आप मुझे डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर सकते हैं, मैं क्वालिफाइड आदमी हूं, मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, मैंने कभी कोई लॉ नहीं तोड़ा, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, अगर आप मुझे आज डायरेक्टर की तरह अपनी कंपनी में अपॉइंट कर लेते हैं तो आपकी कंपनी कुछ गलत काम नहीं करे। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूं बच्चों, बड़े प्यार से और बड़े आराम से समझिए कि अगर कोई भी पर्सन किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है तो जरूरी है उसके पास में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हो, 7 न्यूमेरिक डिजिट का ये होता है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि जब भी कोई बंदा कंपनी में डायरेक्टर बनेगा ना, तो बनने से पहले उसे अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपनी को सबमिट करना पड़ता है, प्लस उसे एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है डीआईआर 8 फॉर्म में, ई फॉर्म में, उसमें वो लिखकर देता है कंपनी को कि मैं अपने पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं कि मैं क्वालिफाइड आदमी हूं, मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, आप अपनी कंपनी में मुझे डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर सकते हैं, आपको निराशा नहीं होगी, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो स्टूडेंट बोलता है, देखिए सर अभी तक आपने मुझको ये बताया कि कोई भी जो डायरेक्टर अपॉइंट होगा कंपनी के अंदर, फर्स्ट डायरेक्टर का नाम एओए में लिखा होता है, अगर नहीं लिखा हो तो जो मेंबर्स हैं उन्हीं को ही डायरेक्टर मान लिया जाता है, वन पर्सन कंपनी के केस में भी सेम है, जो मेंबर है उसी को डायरेक्टर मान लिया जाएगा अगर फर्स्ट डायरेक्टर का नाम अलग से नहीं लिखा है तो। फिर उसके बाद में जो बाकी डायरेक्टर है अदर देन फर्स्ट डायरेक्टर, हर कंपनी में जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं वो लोग, मेंबर्स के सामने अपॉइंट होते हैं। अगर कोई भी बंदा कंपनी में डायरेक्टर की तरह अपॉइंट होना चाहता है तो उसके पास में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, और उसे अपॉइंट होने से पहले अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपनी को बताना पड़ता है और अपना एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है फॉर्म नंबर डीआईआर 8 के अंदर, जिसमें वो लिख कर देता है मैं क्वालिफाइड आदमी हूं, आप मुझे अपॉइंट कर। स्टूडेंट बोलता है कि सर एक बात बताओ, आपने बोला जो भी बंदा डायरेक्टर की तरह अपॉइंट होना चाहता है, एक तो वो अपना डीआईएन कंपनी को देगा, एक वो डीआईआर 8 कंपनी को देगा, डिक्लेरेशन कंपनी को देगा, साथ में और भी कुछ ऐसी चीज है क्या जो वो कंपनी को देगा? हाँ, क्या होता है ना, मैं आपको प्रोसेस समझाता हूं तब आपको समझ, कहानी समझो। जैसे आज सपोज कीजिएगा राजपाल यादव जी हैं, उनको डायरेक्टर बनना है एक कंपनी में, तो वो कंपनी में जाकर अपना सीवी छोड़कर आ गए, नौकरी लेने जाते हो ना सीवी छोड़े जाते हो, तो राजपाल यादव जी छोड़े आए, जब सीवी छोड़ने गए राजपाल यादव जी तो एक तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी देकर आ गए और फॉर्म नंबर डीआईआर 8 भी देकर आ गए, डिक्लेरेशन कि मैं क्वालिफाइड हूं, आप मुझे अपॉइंट कर सकते हैं। कंपनी को फिर डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने इस सीवी को देखा, शॉर्टलिस्ट हुआ उनका नाम, बहुत सारी सीवी थे कंपनी के पास, इनका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ, कंपनी को ये बढ़िया लगे डायरेक्टर की तरह, तो कंपनी ने इनके ऊपर जनरल मीटिंग में मेंबर्स के सामने बातचीत करी कि एक राजपाल यादव नाम का लड़का आया था हमारे पास ना, वो डायरेक्टर बनना चाहता है, वो अपनी डिटेल देकर गया है, वो अपना डीआईएन भी बता गया है, उसने डिक्लेरेशन भी दिया है कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। मेंबर से पूछा जाता है करें भैया नहीं करें अपॉइंट, मेंबर्स बोलते कर लो। तो अब कंपनी क्या करती है, कंपनी राजपाल यादव जी को एक नोटिस देती है कि साहब हमने आपके बारे में बातचीत करी अपने मेंबर से जनरल मीटिंग में, सब बड़े खुश हुए आपसे और आपको डायरेक्टर की तरह अपॉइंट करना चाहते हैं, क्या आप होना चाहते हो डायरेक्टर की तरह अपॉइंट? तो अब राजपाल यादव जी को कंसेंट देनी पड़ेगी डीआईआर 2 में। जब कंपनी ने जनरल मीटिंग में बात कर ली उसके बाद उन्हें कंसेंट देनी पड़ती कि हाँ मैं आपकी कंपनी में डायरेक्टर की तरह अपॉइंट होना चाहता हूं, अपनी मर्जी से अपॉइंट हो रहा हूं, बड़ा खुश हूं अपॉइंट। पूरा प्रोसेस समझ में आया? तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट भी यही लिखा हुआ है। और क्या होगा, पहले राजपाल यादव जी सीवी देकर गए, डीआईएन और डीआईआर 8 बताकर चले गए,
फिर कंपनी ने जनरल मीटिंग में मेंबर से डिस्कस करा, लोगों ने हाँ बोली, तो उनसे उनकी कंसेंट ले ली गई। उन्होंने बोला कि मैं अपॉइंट होना चाहता हूं आपकी कंपनी में एज डायरेक्टर। क्लियर हुई यहां तक की बात? अब क्या होगा बच्चों, कंपनी इनको अपॉइंट कर लेगी डायरेक्टर की तरह। अब एक बात बताइए, क्या कंपनी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो आरओसी को बताए कि हमारी कंपनी में एक नया बंदा डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हुआ है? बनती तो है। अब कंपनी बताएगी आरओसी को 30 दिन के अंदर, जब से डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है 30 दिन के अंदर बताएगी कि हमने नए आदमी को डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर दिया, DIR 12 में बताएगी। तो स्टूडेंट बोलता है, सर आपने तीन ई फॉर्म बताए, तीनों के एक बार दोबारा मुझे स्पेसिफिकली बता दो, अभी आप यहां लिख दो, मैं अपनी कॉपी में साथ में लिख लूंगा। तो DIR 8 के अंदर तो वो डिक्लेरेशन देता है कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। DIR 2 के अंदर वो कंसेंट देता है कि मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूं, और DIR 12 के अंदर कंपनी आरओसी को एक नोटिस लिखकर भेजती है, मतलब इंटीमेशन देती है कि फलाना बंदा हमारी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो गया। और बच्चों ये यहां तक पूरी बात मैंने आपको पढ़ा दी। स्टूडेंट बोलता है, सर बिल्कुल समझ में आ गया, लेकिन एक छोटा सा डाउट है। आपने बोला कि कंपनी को बताना पड़ता है आरओसी को 30 दिन में DIR 12 फाइल करके कि फलाना बंदा हमारी कंपनी में डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हो गया। क्या सर पब्लिक कंपनी के अंदर बताना पड़ता है? बताना पड़ता है। प्राइवेट में बताना पड़ता है? बताना पड़ता है। सर सेक्शन 8 कंपनी के अंदर बताना पड़ता है? एनपीओ में नहीं, गवर्नमेंट में नहीं, ये एक्सेप्शन है, याद रखिए। सेक्शन 8 और एनपीओ और गवर्नमेंट कंपनी, इनको नहीं बताना पड़ता, इनको नहीं बताना पड़ता, इनको नहीं बताना पड़ता। बस ये डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं, दैट्स इट। आरओसी को नहीं बताना पड़ता DIR 12 फाइल करके कि हमने फलाने को अपॉइंट किया। स्टूडेंट बोलता है, सर अभी तक आपने जितना पढ़ाया मैं एक बार उसको दोबारा से रिवाइज कर लूं। मैंने कहा बोलो। सर आपने पढ़ाया कि जो कंपनी का पहला डायरेक्टर है उसका नाम AOA में लिखा हुआ होता है, नहीं लिखा हुआ हो तो जो मेंबर्स हैं उन्हीं को फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाता है, वन पर्सन कंपनी के केस में भी सेम होता है। देन आपने उसके बाद में बताया कि फर्स्ट के अलावा बाकी जितने डायरेक्टर्स हैं वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होंगे। कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी में डायरेक्टर की तरह अपॉइंट होना चाहता है उसे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ता है, साथ में उसको DIR 8 के अंदर डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, आप मेरे नाम पर सोच सकते हैं, मुझे अपॉइंट कर सकते हैं। जब कंपनी एक्चुअली में अपॉइंट कर लेती है तब उस बंदे को DIR 2 के अंदर अपना कंसेंट देना पड़ता है कि हाँ मैं अपनी मर्जी से अपॉइंट हो रहा हूं, मुझे कोई जबरदस्ती अपॉइंट नहीं कर रहा है। और कंपनी उनके अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर आरओसी को DIR 12 फाइल करके उनकी पूरी डिटेल्स बताती है अपॉइंटमेंट की। हां जी सर मुझे यहां तक की बात समझ में आ चुकी है, यहां तक क्लियर है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बच्चों। तो यहां तक जो बच्चा अभी तक मेरे साथ में पढ़ रहे हैं ना, आप लोग एक बार वीडियो पॉज करो, जितना मैंने पढ़ाया है रिवाइज करो, फिर दोबारा से यहां पर पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अब बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों यहां पर। अब देखिएगा बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं रिटायर बाय रोटेशन। इसका मतलब क्या है बड़े ध्यान से समझे। कंपनी के अंदर टोटल जितने डायरेक्टर्स होते हैं ना बच्चों, उसमें से कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि रिटायर बाय रोटेशन के लिए लाइबल होते हैं, मतलब उनको रिटायर किया जा सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको रिटायर नहीं किया जा सकता। पहली बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो कंपनीज एक्ट है ना वो एक बात होती, हमारा कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि हर कंपनी के हर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, हर एवरी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर टोटल जितने रिटायरिंग डायरेक्टर्स, मैंने बोला कंपनी के अंदर टोटल जितने डायरेक्टर हैं उसमें से कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते, उनको रिटायर नहीं कर सकते, उनका टाइम फिक्स रहता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं उनके अलावा बाकी जो टोटल रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं उनका 2/3
एक एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, हमारा जो इंडियन कंपनीज एक्ट है वो ये बोलता है कि हर एनुअल जनरल मीटिंग में, मेरे एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुने, हर कंपनी की हर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर टोटल जितने रिटायरिंग डायरेक्टर्स है ना उस कंपनी के, उसका 2/3 रिटायर हो सकता है, लेकिन 2/3 का 1/3 एक्चुअली में रिटायर होना चाहिए। दोबारा से सुनो, हर कंपनी की हर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर टोटल जितने डायरेक्टर्स हैं, रिटायरिंग डायरेक्टर्स, टोटल रिटायर, मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन कौन से डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो रिटायर नहीं होते, बताऊंगा आपको, पूरा लिखा हुआ है सब कुछ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनो पहले, कि टोटल जितने रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं उसका 2/3 एक एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर रिटायर हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, कंपनी चाहे तो इतना रिटायर कर सकती है, लेकिन 2/3 का 1/3 एक्चुअली में रिटायर होना जरूरी, 2/3 का 1/3 एक्चुअली में रिटायर होना जरूरी है, पहली बात। लेकिन एक यहां तक की बात समझ में आ गई, लेकिन अगर किसी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बाय चांस ऐसा लिखा हुआ हो कि साहब हमारी एनुअल जनरल मीटिंग में टोटल रिटायरिंग का 2/3 और उसका 2/3 का 1/3 रिटायर, ये सब नहीं, हमारी एजीएम में तो सबके सब डायरेक्टर्स रिटायर होंगे और फिर उनको रीअपॉइंट किया जाएगा या उनकी जगह कोई नया आएगा, तो वो प्रोविजन फॉलो होगा। अगर किसी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा हुआ है, अगर किसी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिख दिया गया है कि हम नहीं मानते 2/3 1/3 को गोली मारो, हमारी एजीएम में तो सबके सब डायरेक्टर्स रिटायर होंगे और फिर उनको रीअपॉइंट किया जाएगा या नए को अपॉइंट किया जाएगा, तो वो प्रोविजन फॉलो होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा है, जो कि ज्यादातर नहीं होता, तो फिर टोटल जितने रिटायरिंग डायरेक्टर्स उनका 2/3 रिटायर हो सकता है मैक्सिमम लिमिट, लेकिन 2/3 का 1/3 एक्चुअली में रिटायर होगा ही होगा हर हालत में। स्टूडेंट बोलता है, सर मेरे को यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई, एक बार एग्जांपल से समझा दो सर। एग्जांपल से समझा देता हूं आपको मैं। एक एयरटेल कंपनी है, उसके अंदर टोटल डायरेक्टर्स 15 हैं, उसके अंदर टोटल 15 डायरेक्टर्स हैं, लेकिन उसमें से 4 नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं, तो रिटायरिंग डायरेक्टर्स 11 हैं, 11 रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं, और उनका नाम कैसे है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये 11 डायरेक्टर हैं जो रिटायर हो सकते हैं, और उसके एओए में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि मेरी एजीएम में तो सबके सब रिटायर होंगे, नहीं, तो फिर क्या प्रोविजन फॉलो किया जाएगा बच्चे, तो क्या प्रोविजन फॉलो किया जाएगा, तो फॉलो किया जाएगा सर 11 का 2/3 रिटायर हो सकता है, तो 11 का 2/3 क्या निकल के आ रहा है बच्चों, 11 का 2/3 आप निकालिएगा एक बारी, तो 11 का 2/3 निकल के आएगा 7.33, क्या आ रहा है 7.33। मैं आपसे बोल रहा हूं हमारा कंपनी लॉ बोलता है टोटल रिटायरिंग डायरेक्टर 11 का 2/3 रिटायर हो सकता है 7.33, इसको हमें राउंड फिगर करना पड़ेगा, जब भी हम 2/3 निकालते हैं ना राउंड फिगर हमेशा हम नेक्स्ट करते हैं, इसमें मैथ्स का प्रोविजन फॉलो नहीं किया जाता कि सर पॉइंट के बाद में अगर 5 है तो आगे वाला ले लेंगे, 5 से कम है तो पीछे वाला ले लेंगे, वो नहीं फॉलो होता, सीधा सीधा 8, मतलब 8 डायरेक्टर रिटायर हो सकते हैं, लेकिन मैंने बोला इसका 1/3 एक्चुअली में रिटायर होना चाहिए, इसका 1/3 एक्चुअली में रिटायर होना चाहिए, तो ये आ रहा है 2.66। इसका राउंड फिगर कैसे करते हैं, यहां मैथ्स चलते, पॉइंट से आगे अगर 5 है तो आगे वाला लेंगे, पॉइंट से आगे अगर 5 से नीचे होता तो
पुराना वाला लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लेंगे, तीन डायरेक्टर। अगर मान लीजिए ये 2.3 निकल के आता तो हम दो डायरेक्टर लेते या मैथ सकती। तो मैंने जो बोला वो दोबारा सुन लो, हर कंपनी के एवरी कंपनी हर कंपनी की हर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर टोटल जितने रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं वो कौन कौन होते हैं सब बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, सिर्फ सुनते रहो। हर कंपनी की हर एनुअल जनरल मीटिंग में टोटल जितने रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं उसका 2/3 रिटायर हो सकता है, लेकिन 2/3 का 1/3 एक्चुअली में रिटायर होगा ही होगा हर हालत में। अरे ये बात यहां तक समझ में? स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मैं आपकी समझ गया, उसके अलावा मैं एक बात और समझ गया सर, उसके अलावा मैं ये समझ गया 2/3 का जो फ्रैक्शन है ना वो हमेशा नेक्स्ट होगा, उसमें कभी भी मैथ्स नहीं चलती, लेकिन 1/3 जो है ना उसका जो फ्रैक्शन है वो नियरेस्ट नंबर होता है, मतलब 0.5 या उससे ऊपर हो तो आगे वाला, 0.5 से नीचे हो तो पीछे वाला। यहां तक मैं समझ गया, लेकिन सर अब मेरे दिमाग में एक डाउट आ गया सर। मैंने बोला क्या डाउट आ गया? बोला सर एक बात बताइए, किसी भी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग चल रही है, आपने बोला 2/3 रिटायर हो सकता है, लेकिन 2/3 का 1/3 एक्चुअली में रिटायर होगा ही होगा, तो क्या सर वहां वैकेंसी नहीं हो गई क्या कंपनी के अंदर रिटायरमेंट की वजह से? हाँ वैकेंसी तो हो गई, तो सर अब क्या करेंगे, उस वैकेंसी को फिल करेंगे। सर कैसे? जो रिटायर हुआ है या तो उसे रीअपॉइंट कर दो या फिर किसी नए बंदे को अपॉइंट कर दो, अगर उसे रीअपॉइंटिंग करना चाहते। तो स्टूडेंट बोलता है सर मैं ये समझ गया कि हर कंपनी के हर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर टोटल रिटायरिंग का 2/3 रिटायर हो सकता है, 2/3 का 1/3 एक्चुअली में रिटायर होगा, 2/3 का फ्रैक्शन हमेशा नेक्स्ट होगा, 1/3 जो है उसमें मैथ चलेगी 0.5 वाली, और फिर आपने मुझको ये बताया कि जो वैकेंसी हुई है उसको हमें फिल भी करना है, या तो रिटायरिंग को रीअपॉइंट करो या कोई नया बंदा अपॉइंट करो। लेकिन सर एक क्वेश्चन है सर मेरा। मैंने कहा क्या क्वेश्चन है? बोले सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो रिटायर हुआ है हम उसे रीअपॉइंट कर रहे हैं या किसी नए बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं, सोचिए सर कंपनी को वो वैकेंसी फिल नहीं करनी, कंपनी के अंदर जितने मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए उतने हैं, वो वाला डायरेक्टर जो रिटायर हुआ है वो तो एक्स्ट्रा में था, उससे कंपनी की लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कंपनी के पास मिनिमम है ऑलरेडी है डायरेक्टर, उसके जाने के बाद उसके रिटायर होने के बाद भी कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स हैं, और कंपनी बोल रही है मुझे फिल नहीं करनी यार वैकेंसी। हाँ तो कोई बात नहीं, कंपनी रिजोल्यूशन पास कर देगी उसी AGM के अंदर कि जो वैकेंसी हुई है रिटायरमेंट की वजह से वो मुझे फिल ही नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट बोलता है ओके सर, आपने बोला अगर कंपनी का AOA बोलता है तो सभी डायरेक्टर्स रिटायर होंगे, नहीं तो 2/3 रिटायर हो सकता है लेकिन 1/3 एक्चुअली में रिटायर होगा, उसके बाद में जो वैकेंसी हुई है उसको रीअपॉइंट करके फिल कर दो या कोई नया अपॉइंट करके फिल कर दो। आपने यहां तक की बात बिल्कुल सही बता दी, मैं समझ गया, लेकिन सर एक डाउट है सर मेरा, एक डाउट, एक बात बताओ सर, टोटल 11 डायरेक्टर्स हैं, आपने बोला उसका 2/3 रिटायर हो सकता है, मतलब 8 डायरेक्टर राउंड फिगर करके, तो सर 11 में से 8 कौन से हैं जो रिटायर हो सकते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि इन 11 में से वो कौन से 8 हैं जिनको हम रिटायर कर सकते हैं? और आपने बोला 2/3 का 1/3 राउंड फिगर करके 3 ये एक्चुअली में रिटायर होंगे, सर कंपनी को कैसे पता लगता है कि जो टोटल 11 रिटायरिंग डायरेक्टर है उनमें से कौन से 8 डायरेक्टर को रिटायर किया जा सकता है और उन 8 में से कौन से 3 डायरेक्टर रिटायर होने ही चाहिए, ये कैसे पता लगता है? कैसे पता लगता है? फीफो मेथड से। सर फीफो मेथड मतलब इन 11 में से जो सबसे पहले आया था, मतलब जो सबसे ज्यादा ऑफिस होल्ड किया है वो सबसे पहले भागेगा, फिर उसके बाद जो आया था वो भागेगा, फिर उसके बाद जो आया था वो भागेगा। सर एग्जांपल देकर बताओ, बता देते, एयरटेल कंपनी में टोटल रिटायरिंग 11 है ए से लेकर के तक, ए सबसे पहले आया था, उसके बाद में बी आया था। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर,
हमें टोटल तीन डायरेक्टर्स रिटायर करने हैं, आप समझा चुके हैं मेरे को, क्योंकि 11 का 2/3 मतलब 8 रिटायर हो सकते हैं, लेकिन 8 का 1/3 मतलब 3 एक्चुअली में रिटायर होने चाहिए। आप बोल रहे हो जो सबसे पहले आया था फीफो मेथड, जो सबसे पहले आया था, जो सबसे ज्यादा ऑफिस होल्ड किया है वो पहले निकलेगा। तो हमारे जो टोटल 11 डायरेक्टर हैं उनमें सबसे पहले ए आया था, ए निकल जाएगा, ए के बाद बी आया था, बी निकल जाएगा। तो सर तीन में से दो तो हो गए, एक बच गया। आप बोल रहे हो जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले निकलेगा। सर अगर दो डायरेक्टर एक ही दिन आए थे तो, अगर दो या उससे ज्यादा डायरेक्टर सेम डे अपॉइंट हुए थे तो, सपोज करो कि मिस्टर सी और मिस्टर डी ए और बी के बाद में आए थे और दोनों सेम डे आए थे, दोनों सेम डे आए थे तो इनमें से कोई कुर्बानी दे दे, सी और डी आपस में मिलके बैठ के बात करें चाय की थड़ी पे चाय पीते हुए कि देखो भैया सी, अब की बार आप चले जाओ, अगली साल हमें तो जाना है ही। अगर एग्रीमेंट हो जाए दोनों के बीच में तो फिर हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया ना। हमने बोला जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले जाएगा, ए सबसे पहले आया जा रहा है, बी सबसे पहले आया जा रहा है, लेकिन अगर दो या उससे ज्यादा लोग सेम डे आ गए तो उनके बीच में एग्रीमेंट करवा लो, कुर्बानी दिलवा दो यार, उनके बीच में एग्रीमेंट करके कुर्बानी दिलवा दो। अगर वो तैयार हो जाए कि भैया मैं कुर्बानी दे रहा हूं, मैं इस साल चला जाता हूं, तुम अगली साल चले जाना क्योंकि हम दोनों सेम डे आए थे, तो ठीक है। और अगर कोई कुर्बानी नहीं देता है, दोनों अड़ गए कि नहीं मैं क्यों जाऊं, तो फिर भैया हम क्या करेंगे, लॉटरी निकालेंगे, लॉटरी सबको बुलाएंगे, एक बॉक्स में चिटें डलवाएंगे, चिट्स डल गई अब बोलेंगे डालो, जिसके नाम की चिट निकल गई वो रिटायर हो जाएगा, लॉट सिस्टम। तो स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझा, मैं पूरी बात सुनाता हूँ सर जो मैं अभी तक समझा, मेरे को बोलो। बोला सर हर कंपनी की हर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अगर कंपनी के एओए में लिखा है सभी रिटायर होंगे तो होंगे, अदरवाइज टोटल रिटायरिंग का 2/3 रिटायर हो सकता है, 2/3 का 1/3 एक्चुअली में रिटायर होगा, और 2/3 का फ्रैक्शन हमेशा नेक्स्ट होगा, राउंड फिगर 1/3 में मैथ चलेगी। और उसके बाद में आपने बताया जो रिटायरमेंट की वजह से वैकेंसी हुई है उसको हमें फिल करना है, या तो रिटायरिंग को रीअपॉइंट करो या किसी नए बंदे को अपॉइंट करो, या फिर रिजोल्यूशन कंपनी पास कर दे कि मुझे वैकेंसी फिल ही नहीं करो। हमें कैसे पता लगेगा कि टोटल रिटायरिंग में से कौन है 2/3 कौन है 1/3? जो पहले आया था वो पहले लात खाएगा, सबसे पहले भागेगा। लेकिन अगर दो या उससे ज्यादा डायरेक्टर सेम डे आए थे तो बच्चों अगर उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, वो अपनी मर्जी से छोड़ के चला जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो लॉट सिस्टम होगा। क्या होगा? लॉटरी सिस्टम। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मुझे बिल्कुल समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है सर, एग्जाम्पल से आपने पूरा समझा दिया, ठीक है, यहां तक हमने ये सभी पॉइंट्स पढ़ लिए। लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में अब एक क्वेश्चन रह गया। स्टूडेंट बोला सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसका जवाब दे दो। मैंने कहा बोलो। बोला सर सपोज करो यहां पर एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मैंने कहा बोलिए। बोला सर सपोज कीजिएगा कि कंपनी है टाटा, उसके अंदर तीन डायरेक्टर्स रिटायर हो गए, अब कंपनी के पास में तीन ऑप्शन है, आपने बताया तीन ऑप्शंस है, या तो रिटायरिंग को रीअपॉइंट करो, या फिर कोई नया बंदा अपॉइंट करो, या फिर कंपनी रिजोल्यूशन पास कर दे कि मुझको वैकेंसी फिल नहीं करनी। कि मुझे वैकेंसी फिल नहीं करनी। लेकिन सर अगर कंपनी ने इन तीनों में से कुछ भी नहीं किया, कंपनी कर सकती है इन तीनों में से जो चाहे ऑप्शन है, या तो उसे रीअपॉइंट कर लो, या कोई नया अपॉइंट कर लो, या रिजोल्यूशन पास कर लो, वैकेंसी फिल नहीं करनी। कंपनी ने कुछ भी नहीं किया तो भैया मीटिंग इनकम्प्लीट रह गई, आधी अधूरी रह गई, तो वो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। एडजर्न का मतलब आगे खिसक जाएगी।
सर कब तक के लिए? नेक्स्ट वीक। सेम डे। सर सेम डे का मतलब? सेम डे का मतलब अगर आज आज फ्राइडे को हुई है तो नेक्स्ट वीक के फ्राइडे को सेम टाइम। आज अगर 9 बजे शुरू हुई थी तो नेक्स्ट वीक के फ्राइडे के 9 बजे सेम प्लेस। आज अगर यहां हुई थी तो नेक्स्ट वीक में भी यही होगी। स्टूडेंट बोलता है सर समझा आपकी बात कि कंपनी ने जब डायरेक्टर्स को रिटायर किया एजीएम में तो 3 में से कोई एक ऑप्शन उसे करना था, या तो रीअपॉइंट करना था या नया अपॉइंट करना था या रेजोल्यूशन पास करना था, वैकेंसी फिल नहीं करनी। कंपनी ने कुछ नहीं किया, मीटिंग एडजम बाय डिफॉल्ट हो जाती है, एडजम बाय डिफॉल्ट एडजम हो जाती है, किसी को बोलना ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट एडजम हो गई। कब तक के लिए? नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो देखिये एयरटेल कंपनी है, उसने एक एजीएम करी 1 अगस्त 2022 को मंडे को, लेकिन ना तो, और उसमें डायरेक्टर रिटायर हो गए, लेकिन ना तो रीअपॉइंट किया ना नया अपॉइंट किया ना ही रेजोल्यूशन पास किया, तो फिर क्या होगा? वो मीटिंग बाय डिफॉल्ट एडजर्न हो जाएगी नेक्स्ट वीक। तो 1 अगस्त को आज हुई है तो नेक्स्ट वीक 7 दिन जोड़ लो उसमें, 8 अगस्त एडजर्न, मतलब नेक्स्ट मंडे उसी टाइम उसी जगह पर। क्लियर है? स्टूडेंट बोला सर समझ में आ गई आपकी बात, लेकिन एक बात बताओ सर, अगर एडजर्न मीटिंग के अंदर भी कंपनी ने इन 3 में से कुछ भी नहीं किया तो जो बंदे रिटायर हुए थे, जो डायरेक्टर्स रिटायर हुए थे, उन्हीं को बाय डिफॉल्ट रीअपॉइंटेड मान लिया जाता है। इन एडजर्न मीटिंग ऑल्सो कुछ भी नहीं किया गया, ना तो रीअपॉइंट किया ना नया अपॉइंट किया ना ही कंपनी ने रिजोल्यूशन, कुछ भी नहीं किया कंपनी ने, करना उन्हें ओरिजिनल में करना चाहिए था, ओरिजिनल में कुछ नहीं किया तो मीटिंग एडजर्न हो गई। एडजर्न में भी अगर कुछ नहीं कर रहे तो जो डायरेक्टर्स रिटायर हुए थे वो बाय डिफॉल्ट रीअपॉइंटेड मान लिए जाएंगे, बाय डिफॉल्ट रीअपॉइंटेड मान लिए जाएंगे। क्लियर है ये चीज यहां तक? लेकिन बच्चों, स्टूडेंट बोलता है बोले सर मैं आपकी यहां तक की बात पूरी समझ गया, एक बार ये वाले बात में दोबारा बता दूं कि जो डायरेक्टर्स रिटायर हुए हैं एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, या तो उनको कंपनी रीअपॉइंट करे या उनकी जगह कोई नया अपॉइंट करे या रेजोल्यूशन पास करे, वैकेंसी फिल नहीं करनी, अदरवाइज मीटिंग एडजर्न हो जाती है नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। उस एडजर्न मीटिंग के अंदर उन 3 में से कंपनी कोई काम करे, अगर एडजर्न मीटिंग में भी कंपनी कोई काम नहीं करती तो जो डायरेक्टर्स रिटायर हुए वो बाय डिफॉल्ट रीअपॉइंटेड मान लिए जाते हैं। स्टूडेंट बोलता है सर आपकी यहां तक की बात मुझे पूरा समझ में आ गई कि जो डायरेक्टर्स रिटायर हुए वो बाय डिफॉल्ट रीअपॉइंटेड मान लिए जाते, समझ गया, लेकिन सर एक डाउट है। मैंने कहा बोलो। सर जो डायरेक्टर्स रिटायर हुए वो बाय डिफॉल्ट रीअपॉइंटेड मान लिए, कोई ऐसा केस होता है जिसमें वो बाय डिफॉल्ट रीअपॉइंटेड नहीं माने जाते? हाँ होते हैं, 3 केस होते हैं। पहला केस, अगर उन्होंने खुद ने बोल दिया कि नहीं मैं अपॉइंट ही नहीं होना चाहता, रीअपॉइंट होना ही नहीं चाहता, या फिर दूसरा केस उनके रीअपॉइंटमेंट के लिए वोटिंग कराई गई थी, उनके रीअपॉइंटमेंट के लिए बच्चों क्या कराया गया था, वोटिंग कराई गई थी उनके रीअपॉइंटमेंट के लिए, और वोटिंग में वो हार गए, वोटिंग में लोगों ने बोला इनको रीअपॉइंट मत करो, या फिर तीसरा केस, कि वो डिस्क्वालिफाइड हो चुके हैं, अब उन्हें हम रीअपॉइंट कर ही नहीं सकते। तो मैंने बोला कि जो ओरिजिनल मीटिंग है उसके अंदर 3 में से कोई काम करो, नहीं किया तो मीटिंग एडजर्न, एडजर्न मीटिंग के अंदर भी अगर कुछ नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट रीअपॉइंटेड मान लिए जाते, लेकिन बाय डिफॉल्ट रीअपॉइंटेड नहीं माने जाते अगर अगर इन 3 में से कोई सिचुएशन अकर हो जाती है तो, या तो वो खुद मना कर देते हैं, या उनको रीअपॉइंट करने के लिए वोटिंग कराई और वो हार गए, या फिर अब वो डिस्क्वालिफाई हो चुके तो उस केस में वो रीअपॉइंटेड नहीं माने जाते। ये बात देखो मैंने यहां एग्जाम्पल में भी बताई है बच्चे, और ये बात मैंने यहां पर लिखी भी हुई है।
तो स्टूडेंट बोलता है, सर एक बात बताओ, आपने बोला कि या तो उनको रीअपॉइंट करो या कोई नया अपॉइंट करो या रेजोल्यूशन पास करो, वैकेंसी फिल नहीं करनी, अगर कुछ भी नहीं किया तो मीटिंग एडजर्न। एडजर्न मीटिंग में इन तीन में से कुछ करो, नहीं किया तो जो रीअपॉइंट रिटायर हुए थे उन्हें रीअपॉइंट मान लिया गया। लेकिन फिर आपने बोला नहीं माना जाएगा रीअपॉइंट अगर वो मीटिंग में हार, मतलब उनके रीअपॉइंटमेंट के लिए वोटिंग हुई वो हार गए या उन्होंने अपनी अनविलिंगनेस शो कर दी या वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो सर अब इस केस में भी डायरेक्टर तो वैकेंसी तो फिल हुई नहीं, तो अब कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है और बोलती है सुनो साहब, हमने ओरिजिनल मीटिंग में कुछ नहीं किया तो मीटिंग एडजर्न हुई, एडजर्न में कुछ नहीं किया तो ये रीअपॉइंट हो गए, लेकिन इनको रीअपॉइंट नहीं माना गया क्योंकि इन तीन में से किसी एक कंडीशन में फॉल हो रहे हैं ये। तो अब हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोई डायरेक्टर अपॉइंट कर दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। अगर एडजर्न में भी नहीं हो पाया तो वैसे तो रीअपॉइंट मान लिया जाता है रिटायरिंग को, लेकिन बाय चांस केस ऐसा बन गया कि रीअपॉइंट नहीं माना जा रहा है, इन तीनों में से किसी कंडीशन में फॉलो है, तो कंपनी जाती है अपना दुखियाड़ा, अपना दुख लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है डायरेक्टर। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट करेगी वो रिटायर बाई रोटेशन नहीं होता, उसका टाइम फिक्स होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक टाइम तक के लिए अपॉइंट करती है। स्टूडेंट बोलता है सर ये बात चलिए आपने यहां तक लिख दी है, लेकिन मुझे एक डाउट है सर, और वो डाउट ये है, हालांकि एक्सेप्शन अभी पढ़ाऊंगा मैं, पहले यहां देख लो, ये जो चीज मैंने बोली है ना ये पूरा मैंने एग्जांपल में समझा है कि ओरिजिनल मीटिंग में कुछ नहीं किया तो मीटिंग एडजर्न हो गई, एडजर्न मीटिंग में भी कुछ नहीं किया तो सब रीअपॉइंट हो गए। अब रिटायर कितने हुए थे? तीन, मान लो उनमें से दो रीअपॉइंट हो गए लेकिन एक रीअपॉइंट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसने अपनी अनविलिंगनेस शो कर दी या वो डिस्क्वालीफाइड था या लोगों ने मना कर दिया, वोटिंग हार गए। तो इस केस में कंपनी वैकेंसी फिल नहीं हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट नया डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की मेरी पूरी बात जो है वो समझ में आ चुकी है, यहां तक की पूरी बात जो है वो समझ में आ चुकी है, लेकिन सर एक बात बताइए, क्या इसका कोई एक्सेप्शन होता है क्या? ये जो प्रोविजन आपने पढ़ाया है क्या इसका एक्सेप्शन होता है क्या कि अगर ओरिजिनल मीटिंग में नहीं अपॉइंट किया तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, एडजर्न में भी नहीं किया तो वो रीअपॉइंट हो जाएंगे, लेकिन तीन में से कोई अगर क्राइटेरिया फुलफिल हुआ तो रीअपॉइंट भी नहीं, इसका कुछ एक्सेप्शन होता है? होता है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी के लिए। और कौन सी गवर्नमेंट कंपनी? जिसकी 100% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ने होल्ड करी है, चाहे से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, चाहे से स्टेट गवर्नमेंट ने, चाहे से दोनों ने मिलकर 100% अगर शेयर कैपिटल होल्ड करी है, दोबारा से बोल दो, अगर गवर्नमेंट ने 100% शेयर कैपिटल होल्ड करी है, चाहे से सेंट्रल ने, चाहे से स्टेट ने, चाहे से दोनों ने मिलकर होल्ड करी है, तो ये एक्सेप्शन है, उन पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। और इवन अगर कोई इसकी सब्सिडरी है उस पर भी नहीं होता, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है बच्चों, ये आपको समझ में आना चाहिए, यहां तक हमने इंपॉर्टेंट बात पढ़ ली। स्टूडेंट बोलता है कि सर आपने बोला कि कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो रिटायर बाय रोटेशन नहीं होते, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन नहीं होता, नॉमिनी नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड डायरेक्टर नहीं होता, और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी नहीं होता। इंडिपेंडेंट के बारे में बता चुका हूँ, नॉमिनी के बारे में बता चुका हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंटेड के बारे में बता चुका हूँ, स्मॉल के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। स्टूडेंट बोलता है सर आपने अभी ये जो जितना हमको पढ़ाया, ये सब जितना पढ़ाया, क्या इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया हुआ है? आया हुआ है बच्चों, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है बच्चों। सर क्यों गलत है? और इसमें जब जून 2019 में क्वेश्चन आया था तब बहुत बवाल भी हुआ था, सीएमए इंस्टीट्यूट ने खुद ने बोला था हमसे गलती हो गई,
इसमें लिखा हुआ है कि मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर रिटायर बाई रोटेशन के लिए एलिजिबल नहीं होते, जबकि वो होते हैं, समझ रहे हो। तो ये फिर भी मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, इसमें ये निकालने को आया है कि कितने डायरेक्टर्स को रिटायर किया जाता है, तो वो 11 दे रखे हैं, टोटल डायरेक्टर्स 11 है, उनका 2/3 रिटायर हो सकता है, लेकिन 2/3 का 1/3 एक्चुअली में रिटायर होगा, ये इसका आंसर है। क्लियर है? स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात समझ में आ गई, लेकिन सर एक डाउट रह गया अभी भी मेरे मन में। सर सपोज कीजिए कि एक कंपनी है सर, मोहित बंसल क्लासेस, और मोहित बंसल क्लासेस कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग करने वाली है और उसमें कुछ डायरेक्टर्स को रिटायर किया जाएगा और हो सकता है उनकी जगह किसी नए को अपॉइंट कर लिया जाए, हो सकता है। सर जॉन अब्राहम मोहित बंसल क्लासेस कंपनी के अंदर डायरेक्टर की तरह अपॉइंट होना चाहते हैं, हाँ तो ठीक है नॉमिनेशन भर दो कि साहब मैं अपॉइंट होना चाहता हूँ एजीएम में, जब आप अपने डायरेक्टर को रिटायर करें तो मेरे सीवी दे के जा रहा हूं अपना, मेरे ऊपर बात करना अपने मेंबर से, अच्छा लगू तो अपॉइंट कर लेना। क्वेश्चन ये है ये नॉमिनेशन कब देंगे? अरे मीटिंग स्टार्ट होने के पहले दोगे ना यार, ऐसा थोड़ी है जिस दिन एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है बीच में घुसी आए एकदम अक्षय कुमार की तरह एंट्री मार दी, बोला ये रहा मेरा नॉमिनेशन, चलो मुझे डायरेक्टर की तरफ अपॉइंट करो, भागो यहां से। तो यही क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर कोई बंदा कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है और उसे पता है वो कंपनी एजीएम कर रही है और उसमें कुछ डायरेक्टर्स को रिटायर करेगी, तो वो अपना नॉमिनेशन कब देगा? अरे मीटिंग से पहले देगा यार, और ऑफिशियल वर्किंग आवर्स में देगा, कंपनी 10 से लेकर 6 बजे तक खुलती है, उस बीच में कभी भी आ जा, मीटिंग से पहले आ जा, जब जिस दिन हमारी मीटिंग होने वाली है उससे पहले आ जा, ऑफिशियल आवर्स में आ जा, अपना नॉमिनेशन भर दे, हम मीटिंग में तुम्हारे ऊपर बात कर लेंगे। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, बस क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन में क्या था मैं आपको बताऊं, ये लिख दिया था कि ओल्ड टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर नॉट लायबल टू रिटायरमेंट रोटेशन, अरे ये तो गलत है भाई। एक्चुअल में ये था कि 11 डायरेक्टर हैं, आप बताइए कितने रिटायर हो सकते हैं, तो 11 का 2/3 रिटायर हो सकता है, लेकिन 2/3 का 1/3 एक्चुअली में रिटायर होगा, ये पहले वाले का आंसर था। और दूसरा बोल रहा है कि कुछ लोग हैं जो कैंडिडेट्स हैं जो नॉमिनेट होना चाहते हैं, वो अपॉइंट होना चाहते हैं डायरेक्टर की तरह, तो वो कब करें? भाई वो मीटिंग से पहले करें, अगर मीटिंग स्टार्ट हो गई, मान लो मीटिंग का नोटिस वोटिस भेज दिया और तब वो अपना नॉमिनेशन भर रहे हैं, रिजेक्ट हो जाएंगे फिर। तो ये सिंपल सा था। तो बच्चों यहां तक मैंने आप लोगों को डायरेक्टर चैप्टर अभी तक पढ़ाया है, इसके हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लिए हैं बच्चों, मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स के लिए बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आपने क्लासेज मेरे से परचेज की हुई है तो नोट्स बुक आपके पास में मेरी ऑलरेडी पहुंच ही चुकी है। अगर बच्चों आपको क्लास परचेज अभी, अच्छा उसके अलावा अगर मैंने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं पर डाल दिया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेना फ्री में। बच्चों अगर आपको क्लासेस परचेज करनी है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ओनली 3500 रुपीज में आपको दिसंबर 2022 तक के लिए हमारी लॉ की क्लासेस मिलेंगे, जिसमें आपको क्लासेस प्लस नोट्स मिलेंगे, अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे बच्चों, अनलिमिटेड व्यूज। जब तक आपका एग्जाम रहेगा तब तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसको देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों ये चीज यहां तक? चलिए तो अब हम मिलते हैं बच्चे आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।